बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए क्रंची पीनट्स। या व्रत के टाइम पे चाय के साथ आराम से स्नैक्स की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं कच्चे मूंगफली के दाने। अब इन्हें पहले मैं भिगो लूंगी। पानी डालने से जितने मूंगफली के दाने खराब होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उन्हें हम हटा देंगे। अब इस मूंगफली को हम पानी से अलग हटा के रख लेंगे। इसे अब हम अलग रख देंगे और इसकी कोटिंग के लिए हम अब मटेरियल तैयार करेंगे। कोटिंग के लिए हम यहाँ ले रहे हैं कूटू का आटा। आप सिंघाड़े का आटा या जो भी व्रत में आटा इस्तेमाल करना चाहिए वो ले सकती हैं। इसको हम सूखा ही रखेंगे। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। हम इसमें थोड़ा सा तेज रखेंगे क्योंकि कोटिंग पे अंदर तो हमारे मूंगफली में नमक रहता नहीं है, उसको ये अच्छे से कवर अप कर लेगा। अब इसमें हम अपनी मूंगफली को डाल देंगे और इसकी कोटिंग कर लेंगे इससे। अब देखेंगे क्योंकि मूंगफली गीली थी तो हमारा आटा जो है वो इस पे अच्छे से कोट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड करती हूँ मैं। इसमें लेमन जूस, साथ में मैं जिंजर का पेस्ट भी ऐड करूंगी। 1 स्पून जिंजर पेस्ट। थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हैं ताकि थोड़ा इसमें आटा और चिपक जाए अच्छे से। बहुत हल्का सा ही छींटा मारेंगे। उसके बाद फिर इसे हम घुमाएंगे। सूखा आटा जो इसमें बचा हुआ है इसको हटाने के लिए मैं इन मूंगफली के दानों को अलग हटा लूंगी। अब इसकी मैंने जितनी सूखा आटा था वो हटा दिया है। इसे मैं बिल्कुल धीमी आंच पे तल लूंगी। इसे हम बिल्कुल अभी छेड़ेंगे नहीं। जब ये एक तरफ अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसे दूसरी तरफ पलट के सेकेंगे। अब हम इधर जब तक मूंगफली तल रही है उसके ऊपर कोटिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हल्का सा नमक लेंगे, काली मिर्च लेंगे और लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो मत लीजिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। हमारे मूंगफली के दाने ये देखिए गोल्डन कलर के तल लिए हैं हमने। इन्हें हम अब अलग निकाल लेंगे। गरम गरम पीनट्स में ही ऊपर से हम ये मसाले स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये इस पे चिपक जाए। ठंडा नहीं होने देंगे नहीं तो फिर मसाले चिपकेंगे नहीं इसके ऊपर। ये देखिए करारे से बन गए हैं। ये देखिए तैयार है हमारे क्रंची पीनट्स।
बिल्कुल मार्केट जैसे, जो कि आप आसानी से व्रत में भी खा सकते हैं, चाय के साथ जब भी आपका मन करे स्नैक्स की तरह यूज कर सकते हैं।